सारे तो वैसे ये कोई कन्फर्म हो गया ये तो वैसे ही है हाँ ये है इसको अभी ये लोग चुनाव के दृष्टिगत कोई भी जो भी इनको खरीदना चाह रहा हो या जो भी अवैध काम के लिए यूज़ करना चाह रहा हो उसको ये बेचने निकली थी तभी हमने इसको गिरफ्तार किया है। और इसमें जैसा कि मैंने बताया जाहिद बनाने का काम करता था और इरफान जो है वो बेचने वगैरह का काम करता था। और पूछताछ में आया है कि कोई ऐसा फिक्स इनका कोई प्राइस वगैरह था नहीं, ढाई से तीन साढ़े तीन हज़ार की एक चमचा वगैरह बेची। पिस्टल का ज़्यादा था, 20-25-30 हज़ार जितना भी होता उसमें ले लीजिए। ठीक है, बाकी आप लोग देख ही रहे हैं कि काफी अर्बन है सामान जो है। पुलिस टीम के नाम भी बता दीजिए। पुलिस टीम में जैसे बताया कि जो इसका थाना कोतवाली के जो इंस्पेक्टर है वो तो है ही, साथ में जो हमारे खालाबाद चौकी इंचार्ज है प्रवेश शर्मा, अखिल चौधरी, अशोक खारी और जो साथ में जो भी क्राइम पे जो काम करने वाले हमारे सिपाही हैं वो सभी लोग। अभी तक इनका कोई वैसा नहीं था, ये बेचने निकले थे कि कोई कहीं खरीदे। थाना कोतवाली पुलिस की टीम है उसने आज एक अवैध शस्त्र और तमंचा बनाने की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी विधानसभा चुनाव पास ही में है तो हमारा अभियान भी चल रहा था कि जो भी अवैध शस्त्र वगैरह हैं उन पर हम कार्रवाई करें और इसी में आज कोतवाली पुलिस की टीम को सफलता भी मिली है। इसमें हमने 6 पिस्टल, 6 तमंचे, कारतूस और जो सामान यूज़ होता है तमंचा और ये पिस्टल बनाने में वो भी हमने बरामद किया है। और अभी तक की जो जानकारी की है और इनसे पूछताछ की हमने, ये दो लोग इसमें हमने अभी तक गिरफ्तार किए, इरफान सैफी और जाहिद। जाहिद इसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है लेकिन फिर भी ये काफ़ी समय से इस चीज़ का काम कर रहा था। ये आप सभी लोगों का अवगत कराना है कि आज हमारी थाना कोतवाली पुलिस की टीम ने एक अवैध शस्त्र और तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इसमें जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी चुनाव विधानसभा चुनाव पास ही में है तो उसमें अभी हमारा अभियान चल रहा था अवैध शस्त्र के खिलाफ और उसी के अंतर्गत आज ये हमको सफलता मिली है। इसमें हमने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, इरफान सैफी और जाहिद। ये दोनों मुजफ्फरनगर शहर में ही रहने वाले हैं, एक थाना कोतवाली नगर क्षेत्र का, एक थाना सिविल लाइन नगर क्षेत्र का है। इनके पास से हमें 6 पिस्टल, 6 तमंचे, कारतूस और जो बनाने का सामान है और जो कुछ अध बने तमंचे वगैरह वो भी हमने इनसे बरामद किए हैं। और अभी तक की जो जानकारी आई है उसमें ये पता चला है कि जो जाहिद है वो सारा ये बनाने का काम करता था और जो इरफान है वो बेचने का काम करता था और जो भी इनसे ख़रीदता था उनको ये मतलब सस्ते में या जो भी इनकी कीमत होती है 2-3 हज़ार में तमंचा और पिस्टल वगैरह 20-25 हज़ार में ये बेच देते हैं। क्या चुनाव कनेक्शन कुछ ऐसा नहीं है लेकिन जैसा कि चुनाव में हम लोगों का भी अभियान चलता है कि अवैध शस्त्र ना बने और ना उसका यूज़ हो ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके, तो उसी में यह भैया हमारा अभियान चल रहा था उसी में हमने ये चुनाव में इस्तेमाल हो सकते थे। नहीं, ऐसा कुछ वैसा नहीं है कि किसी ने बनवाए हों, वैसा नहीं है लेकिन चुनाव में जैसा कि सामान्य तौर पे होता है कि अवैध शस्त्रों पे हम अभियान चलाते हैं उसी में ये अभियान। बरामद कब का बात है? बरामद 6 पिस्टल हुई हैं, 6 तमंचे हुए हैं, कारतूस हुए हैं, कुछ अधबने तमंचे भी हुए हैं। टोटल कितने हुए थे? 12 तो बनी बने हैं या बाकी सब अधबने हैं। जैसे घटना जो ये मलीरा की है तो इससे जो सहारनपुर रोड है इसमें कहाँ नहीं जो बेचने का नहीं है, मैं बताया ना कि जैसे जाहिद है जो वो बनाने का काम करता था, जो बेचने का जो भी अगर कोई इनसे संपर्क में आता हो जो इनकी जानकारी रखता हो। इतनी भारी मात्रा में सर ये असला बरामद हुआ है, जो पकड़ने वाली टीम है उसको इनाम दिया जाएगा? हाँ बिल्कुल, जो उच्च अधिकारियों ने इनाम की भी घोषणा की। ठीक है।